केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024 पेश किया। इस बार के बजट में हर एक तबके के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में एक ऐसा ऐलान भी हुआ जिसका असर रिचार्ज प्लान्स की कीमतों पर पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान्स की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। बजट में हर एक वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्रीय बजट में एक ऐसी घोषणा भी हुई जो भविष्य में मोबाइल फोन्स यूजर्स की जेब का बोझ बढ़ा सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने बजट में टेलीकॉम इक्विपमेंट पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA की ड्यूटीज में बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर पड़ सकता है। जुलाई के शुरुआती दिनों में देश की तीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। अब टेलीकॉम इक्विपमेंट पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA की ड्यूटीज बढ़ने से टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर सकती है। टेलीकॉम इक्विपमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का असर 5G रोल आउट की काम पर भी असर डाल सकती है। आपको बता दें कि टेलीकॉम इक्विपमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को पहले से ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट देनी पड़ सकती है और इस वजह से ग्राहकों को एक बार फिर से रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। PCBA की कीमतों में बढ़ोतरी होने से टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क विस्तार के काम पर भी असर डाल सकती है। कीमतें बढ़ने से टेलीकॉम कंपनियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर 5G के रोल आउट पर देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्री ने आम बजट में स्मार्टफोन्स की कीमतें कम करने का भी बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही यूनियन बजट में कंपनी ने लिथियम बैटरी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। इसका असर भी आपको स्मार्टफोन्स की कीमतों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो, अब कमेंट में लिखिएगा।